हाई एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। गुड मॉर्निंग। सो आज हम कर रहे हैं व्लॉग और आज हम जा रहे हैं वृंदावन। जैसा कि आपने टाइटल में पढ़ ही लिया होगा, हमारा छोटा सा मिनी फैमिली ट्रिप है टू वृंदावन एंड आगरा। तो अभी हमारी ट्रेन है 7 बजे की पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन से, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो अभी हमें तैयार होना है, 4:30 बज चुके हैं एंड हमें 7 बजे स्टेशन पे पहुंचना है। तो उससे पहले आई नीड टू गेट रेडी, और मेरे पास 15 से 20 मिनट हैं, तो लेट्स गेट रेडी। आई एम ऑल रेडी एंड वी आर गेटिंग लेट, सो आई नीड टू जस्ट रन। एंड मेकअप बहुत मिनिमल रखा है क्योंकि अभी ट्रेन में जाना है, एंड देन आफ्टर दैट जहाँ पे हमारी बुकिंग है देयर आई विल चेंज एंड गेट रेडी। सो नाउ लेट्स मीट यू एट द स्टेशन। दिल्ली रेलवे स्टेशन अब पहुँच चुके हैं, हमारी ट्रेन भी लगी हुई है, 1.5 घंटे का रास्ता है। सो अब हम थोड़ी सी ट्रेन जर्नी एंजॉय करते हैं। वी आर ऑफ टू वृंदावन एंड हम हैं ट्रेन में न्यू दिल्ली टू सोदारिया एक्सप्रेस में, और ये हमारी डेस्टिनेशन टाइम ही हमें 1.5 घंटे में पहुंचा देगी। बट फिर भी पता नहीं है, देखते हैं ट्रेन लेट होती है कि नहीं। ऐसे शायद इसका स्टार्ट टाइम 7:10 ही था और 7:10 पे स्टार्ट हुई है, तो अपने एग्जैक्ट टाइमिंग पे है अभी तक। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट और वहाँ जाके मिलते हैं। विद अ गुड 30-40 मिनट स्लीप, सबकी नींद अच्छी तरह से पूरी हो गई है, एंड उसके बाद हम ऑन टाइम 9 बजे पहुँच गए हैं। मतलब हम 7:10 पे चले थे और हम 9 बजे तक पहुँच गए हैं, तो सही टाइम पे ही पहुँचा दिया इसने हमें। पर हमारा जो चेक इन है वो 12 बजे का है, तो अभी हम मथुरा घूमेंगे। और हाँ, हम मथुरा उतरे क्योंकि मथुरा वृंदावन सब पास ही था, तो हमने मथुरा रेलवे स्टेशन का ऑप्शन चूज़ किया। सो अब मथुरा से हम अपने होटल पे जाएंगे एंड देन उसके बाद तैयार वगैरह होके नहा धो के देन हम पूजा करने के लिए जाएंगे। आई विल कीप यू ऑल अपडेटेड। अभी हम आए हैं बांके बिहारी दर्शन करने के लिए, पर यहाँ पे वीडियो बनाना मना है। बहुत सुंदर फूलों से सजावट करी हुई है, तो यहाँ पे वीडियो बनाना मना है, पर बहुत खूबसूरत है। तो आप यहाँ आए वृंदावन तो ज़रूर देखें। क्या इस मंदिर के बारे में क्या है? मंदिर की विशेषता है, अगर हम बांके बिहारी जी को एक तरफ देखते रहे तो जो है वो हमारे प्रेम में मशगूल होकर हमारे साथ चले जाते हैं। इसीलिए जो है यहाँ का पर्दा जो है बांके बिहारी जी का पर्दा, वो हर 2 मिनट पे लगाया जाता है और खोला जाता है, जिससे कि उनकी आँख ओझल हो जाए और किसी के प्रेम में ना पड़े। ये बोलिए राधा रानी की जय, बांके बिहारी रानी की जय। प्राचीन मंदिर एक होता है, कोई भी गांव हो कोई भी शहर हो, तो वो है कृष्ण भगवान का घर जमुना किनारे बंसीवट का। पहला नाम वृंदावन, दूसरा नाम निधिवन, और तीसरा इसका नाम है कि मधुबन में राधिका नाची रे और गिरधर की मुरलिया नाची रे। रात में यहाँ कोई रह नहीं सकता है, रह जाएगा गुंगा बहरा पागल हो जाएगा, नहीं तो मर जाएगा। सो वी आर बैक एंड हमने थोड़ा सा आराम किया, थोड़ा खाया एंड देन फाइनली हम रेडी हो चुके हैं क्योंकि अब हम जाएंगे प्रेम मंदिर वहाँ के दर्शन करने के लिए। और प्रेम मंदिर बहुत खूबसूरत है तो सबने बोला है, तो हम सब ने अपने अपने एथनिक्स डाल लिए हैं क्योंकि सुबह से तो जो हमने ट्रेन में पहना था वही कपड़ों में हम सब जगह घूम लिए थे। क्योंकि यहाँ पर क्या है कि आपका 12 से 4 मंदिर बंद रहता है, उसके बीच में आप दर्शन नहीं कर सकते, तो या तो आप 4 बजे के बाद दर्शन करोगे या आप 12 से पहले दर्शन करोगे। तो इसकी वजह से आपको अपना पूरा सारे, अगर आप एक दिन का प्लान करके आ रहे हो कि आप वृंदावन और मथुरा एक दिन घूमोगे, तो आपको ये सारे चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। और यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ जो है वो है बंदर। तो यहाँ पर बंदर बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, वो आपका फ़ोन छीन लेते हैं, आपका बैग छीन लेते हैं, आपका खाना छीन लेते हैं, आपका पानी छीन लेते हैं, तो वो आप मतलब यहाँ पर पूरा उनका कोहराम मचा हुआ है कैसा कह सकते हैं हम।
तो इसलिए उस चीज़ का भी बहुत ध्यान रखना था, और इसी की वजह से मैं बहुत सारी वीडियो शूट नहीं कर पाई व्लॉग में, पर फिर भी मैं आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देती रहूँगी, जो जो मुझे पता चलती रहेंगी वो सारी इन्फॉर्मेशन मैं अभी आपको भी देती रहूँगी, और शॉर्ट क्लिप्स मैं ज़रूर अपलोड करूँगी, कुछ ना कुछ तो है हर जगह का, कुछ ना कुछ अपलोड ज़रूर होगा। सो आप मेरे साथ बने रहिए, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड बेल नोटिफिकेशन ज़रूर दबाना गाइस, ताकि अगर कोई न्यू वीडियो आए तो आप लोगों को सबसे पहले पता लग जाए। तो अभी मैंने नॉर्मल मिनिमल मेकअप लुक किया है, बट थोड़ा सा ग्लोई एंड ग्लैम है, क्योंकि मुझे बहुत अच्छी लाइट सनलाइट फेस पे आ रही थी, तो मैंने सोचा क्यों ना इसका पूरा फ़ायदा उठाया जाए, और ये लाइट बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है, मतलब जब अगर मैं ऐसे देख रही हूँ फेस पे जो डायरेक्ट लाइट पड़ रही है वो बहुत ब्यूटीफुल आ रही है, उसके वजह से मेरा मेकअप जो प्यारा सा मेकअप है वो भी बहुत खूबसूरत सा आ रहा है, तो मैंने सोचा यही परफेक्ट टाइम है टू शूट दिस वीडियो। सो अब हम तैयार हो चुके हैं और अब हम निकलेंगे यहाँ से प्रेम मंदिर के लिए, अभी भैया के दोस्त वगैरह भी आने वाले हैं, तो हम फिर उनके साथ ही प्रेम मंदिर के दर्शन करने जाएंगे, तो स्टे ट्यून्ड। आई जस्ट डोंट वांट टू मिस आउट ऑन दिस ब्यूटीफुल व्यू, जस्ट लुक एट दिस प्लेस। ये इस्कॉन टेम्पल के अंदर ही है, म्यूजियम के बाहर। दिस प्लेस इज सो मशक्कत के बाद फाइनली हम प्रेम मंदिर के अंदर घुस गए हैं किसी तरह, कूद फांद के बहुत कूद के चले, हाँ मम्मी बहुत मुश्किल से कूद फांद के हम पहुँचे हैं, और इतनी भीड़ है कि पैर रखने की भी जगह नहीं है, बट बहुत खूबसूरत है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत, तो ये स्ट्रगल भी वर्थ इट है। इतनी ही शांति, बस बता नहीं सकते क्या सुकून है टायर्ड, बट फाइनली वी आर डन विथ ऑल द ट्रेवलिंग इन वृंदावन, और हमने आज बहुत सारे मंदिर घूमे, बहुत कुछ नया देखा, और एक बहुत ही अजीब सी चीज़ हुई वो ये थी कि कोमल मामी खो गई थी। कोमल मामी हम थे प्रेम मंदिर में, और प्रेम मंदिर में आज
मेरे को ऐसा लग रहा है लाखों लोग होंगे वहाँ पर आज, लाखों लोगों की भीड़ होगी। और बहुत मुश्किल था वहाँ पे एंटर करना एंड वहाँ से बाहर निकलना। उस भीड़ में हम मंदिर में घूम रहे थे दर्शन करने के लिए और धक्का मुक्की इतनी ज़्यादा हो रही थी कि हम भटक गए। तो मैं, मम्मी और दीदी तो साथ थे, बट कोमल मामी को लगा कि हम बाहर निकल गए हैं, पर कोमल मामी हम अंदर ही थे और कोमल मामी बाहर निकल गई। उसके बाद हम अंदर कोमल मामी को ढूंढ रहे हैं इधर उधर, और बहुत देर, मतलब हम बहुत देर तक ढूंढते रह गए। फिर हमने भैया को बुलाया, भैया से बोला, भैया ने भी ढूंढना शुरू किया इधर उधर। उसके बाद हमने सोचा कि हम ऐसा करते हैं, एक इंसान जाके जहाँ पर हमने जूता चप्पल वगैरह जमा करवाया था, जो क्लॉक रूम के पास था, वहाँ पर एक इंसान खड़ा हो जाए, ताकि क्या पता कोमल मामी वहाँ पर खड़ी हो जाए, क्योंकि लास्ट में एंड में सबको वहीं मिलना है। तो हमने ऐसा सोचा कि क्या पता ऐसा हो, और साथ में हम ये भी सोच रहे थे कि क्या पता कोमल मामी किसी नंबर से फ़ोन भी करे हमें। तो हम फ़ोन का भी रेगुलर ऐसे चेक रख रहे थे, बट फ़ोन तो हमें कोई नहीं आया। और लकीली मैं चली गई थी क्लॉक रूम, जो चप्पल जहाँ पे जमा था, एंड वहीं पे कोमल मामी मुझे मिल गई। मतलब देखा, वाइब चेक किसे ही कहते हैं, दोनों को पता था कि कहाँ मिलना है। और फिर हम फाइनली मिल गए, फिर हम सब ने वापस से पूरा घूमा, खाया पिया, मज़े करे, और अब वी आर बैक टू दी होटल। एंड अभी बज रहे हैं अराउंड 10:30, अभी हमने खाना पैक करवा के ऊपर मंगवा लिया है, और अब हम खाएंगे और अब हम सोएंगे। सो आई एम थिंकिंग टू एंड दिस व्लॉग राइट नाउ, ताकि मैं भूलूँ ना अपने एंडिंग करना। So hope you enjoyed watching this video. If you did, don't forget to like, share and subscribe to my channel. And bell notification zarur dabana guys, taki agar koi new video aaye to aap logo ko sabse pehle pata lag jaye. Bye bye.